अब खबर है भद्रावती तहसील से, जहां बाघ की दहशत लगातार जारी है और वही बालाजी वाटर पार्क में बाघ दिखाई देने से नागरिकों में दहशत फैल गई है और इस संबंध में अति शीघ्र इस बाघ का बंदोबस्त करने की मांग वन विभाग से की गई। भद्रावती नगर परिषद क्षेत्र के केसुरली बाघ के बालाजी वाटर पार्क में पट्टेदार बाघ दिखाई देने से इस परिसर के नागरिकों में भय निर्माण हो गया है। गौरतलब है इस बाघ ने दो दिन पहले इस परिसर में गाय का शिकार किया था। भद्रावती शहर से लगकर बालाजी वाटर पार्क में दिनांक 15 नवंबर को देर रात तकरीबन 1 बजे के आसपास पट्टेदार बाघ ने प्रवेश किया और तड़के 5 बजे के आसपास तक बताया जा रहा वो वहीं पर था। और चौकीदार पांडुरंग पार्शिवे और रमेश कंडे ने इसकी जानकारी तभी पार्क के मालिक भारत नागपुरे को भ्रमण ध्वनि द्वारा दी। भारत नागपुरे अपने सहकारी प्रशांत डाकरे तथा अनंता मांडरे को साथ में लेकर वहां पर पहुंचे, तब उन्हें वहां पर बाघ के पगमार दिखाई दिए। भाजपा के शहर महामंत्री प्रशांत डाकरे के नेतृत्व में वन विभाग कार्यालय में वन विभाग के क्षेत्र सहायक विकास शिंदे से सभी ने इस मौके पर मुलाकात की और इस मौके पर वहां पर तकरीबन 150 से 200 के आसपास नागरिक जमा हो गए। वन विभाग के अधिकारी शिंदे ने इस मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण कर बाघ का बंदोबस्त किया जाएगा ऐसा उपस्थितों को बताया और बाघ की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है और इस घटना से पूरे परिसर में भय का वातावरण छा गया है। गौरतलब इस समय खेती का भी सीजन शुरू है, साथ ही सुबह और शाम को टहलने वाले नागरिकों ने भी टहलना बंद कर दिया है, उनमें भी भय का वातावरण छा गया है। सीटीवी के लिए हमारे प्रतिनिधि जावशेख की रिपोर्ट। आज जवरपास 8 दिवसापासून भारत जी नागपुर लॉन मध्ये वॉटर पार्क मध्ये तो वाघ घुसला है। जर एखादी जीवित हानी झाली तर त्याचा नुकसान भरपाई म्हणून तुम्ही पैसे देणार, पण आमचा जीव गेला तो कोण भरून देणार? आम्ही जर अनुचित प्रकार करायला गेला तर तुम्हाला माहीतच आहे मग फॉरेस्ट आम्हाला कसं टाकते अंदर। तर ते अनुचित प्रकार न घडावं, आमच्या हातात तुम्ही वाईट कृत्य न घडावं आणि आम्हाला आणि तुम्हाला घेऊन चालावा यासाठी आम्ही तुम्हाला वॉर्निंग करतो। आज कोणत्याही हालतीत त्या वाघाचा जर बंदोबस्त केला नाही तर आम्ही तुम्हाला सांगून देतो सर्व आम्ही तिथं आंदोलन करणार, तिथं झोपणार रात्रभर, मग कोणाचा जीव जाऊ तिथे पासून बिलकुल त्याला आज उद्या पकडा कोणी हलती मध्ये रत्नालय, कारण जीवित हानी झाली तर सर्व मुलं छोटे छोटे मुलं माणसं सर्व घाबरून गेले। त्यामध्ये जाणं इतकं अडचणीचं काम होऊन गेलं का भीतीचं असं दहशत वातावरण निर्माण होऊन गेलं आहे। कापूस शेताचं आहे, शेतामध्ये धान कापायचं ठेवून दिलं आहे, महिला शेतमजूर माणसं येऊन ना राहिले, महिलांना येऊन राहिल्या त्या वाघाच्या भीतीमुळे। कापूस वेचायचा आहे, हळदीला पाणी द्यायचं आहे, कसं काय शेतीचं काम करणार आहे? त्यामुळं वन विभाग महाराष्ट्र शासन यांनी प्रयत्न करून भद्रावती जिल्हा चंद्रपूर वन संरक्षक उपवन संरक्षक जे काही त्यांचे जे अधिकार क्षेत्रामध्ये येतो त्यांनी ताबडतोब या वाघाचा बंदोबस्त करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात यावं।